बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुनीब अली है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं मास्टर्स कर रहा हूँ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से, NCA से। और ये मेरी एग्जीबिशन है सुखन, जिसका टाइटल ही आपको बता रहा है, एक्सप्रेशंस राइटिंग। तो ये भी सारी की सारी जो एग्जीबिशन है, इसमें मैंने लेटर्स को यूज़ किया है, जिसमें जो उर्दू के, अरबी के, पर्शियंस के जो लेटर्स हैं उनको मैंने डिफरेंट कंपोजिशंस दी हैं। उन कंपोजिशंस को देने का मकसद ये था कि किस तरह से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अल्फाज बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनको आप एक डिफरेंट डायरेक्शन कैसे दे सकते हो। और डिफरेंट डायरेक्शन देने का मकसद ये था, जो आजकल के हमारे दौर के अंदर जो सारी चीज़ें चलें जिसमें हम लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, तो उन चीज़ों को जो है वो एक नया तरीका दे सकते हैं, आप नई चीज़ें बता सकते हैं कि किस तरह से आप उस सारी चीज़ को एक नए तरीके से भी बता सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा काम उस तरह से था जिसको मैंने अपने काम के थ्रू दिखाया है। आप इनको अच्छे अल्फाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको आप बुरे इस्तेमाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें जो है वो आप पे डिपेंड करती हैं कि किस तरह से आप अपने काम को जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं, या आप अपने कल्चर को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सुखन। शुक्रिया।